गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ अलॉन्ग विद योर फैमिलीज एट योर होम एंड स्टडिंग वेरी वेल. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. पोएटस हैं इन इस पोएम की फोबे कैरी. कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको मिस फोबे कैरी के बारे में. शी वॉज एन अमेरिकन और इनका बर्थ हुआ था ऑन 4 सितंबर 1824 एंड एट ओहियो USA अमेरिका में. एंड शी डाइड ऑन 31 जुलाई 1871 इन USA. और इनकी एक सिस्टर थी अलाइस कैरी, जो ये दोनों ही सिस्टर्स पोएटिस थी. अब बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में. दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड. ये पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड मीन्स अ कंट्री समवेयर इन नॉर्थ पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत सारी ठंड होती है और सनलाइट रेयरली पहुँच पाती है वहाँ तक. तो ये जो पोएम है वो एक ऐसी ओल्ड लेडी की लीजेंड मीन्स एक कहानी बता रही है हमें, पुरानी कहानी, जिसने सेंट पीटर को अपने ग्रीड लालच की वजह से नाराज़ कर दिया था. एंगर्ड मीन्स नाराज़ करना. फर्स्ट पैराग्राफ. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आर्ट्स ऑफ द डे आर फ्यू. दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पर दिन बहुत छोटा सा कुछ घंटों के लिए हुआ करता था. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. और रातें, नाइट्स, इतनी लंबी होती थी सर्दियों की रातें कि वो पूरी रात सो नहीं सकते थे. क्यों नहीं सो सकते थे? जस्ट बिकॉज कि बहुत लंबी रातें होती थी, अंधेरा जल्दी हो जाता था. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. और कौन सी नॉर्थलैंड थी? वो ऐसी जगह थी जहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती थी तो वो लोग अपने रेंडियर्स को हार्नेस के साथ अपने स्लेजेस में बांध लेते थे. हार्नेस मीन्स लगाम, जिसकी वजह से कंट्रोल कर सकते हैं हम. तो अपनी स्लेजेस आप जानते हो, एक व्हीललेस कार्ट होती है जिसमें व्हील्स नहीं होते, और वो स्लाइडिंग कार्ट होती है जो बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करके फिसल के चलती है, जिसको हॉर्सेस की जगह रेंडियर्स ऑपरेट करते हैं, वो चलाते हैं. एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. और जो छोटे से बच्चे होते थे, छोटे छोटे, वो भालू के बच्चों के जैसे, बियर्स कब मीन्स भालू के बच्चों के जैसे लगते थे. क्यों लगते थे? क्योंकि वो बहुत सारे कपड़े पहनते थे और फरी क्लोथ्स मीन्स फर पहले कैसा होता था, एनिमल स्किन के साथ बनता था, बहुत ही सॉफ्ट सा फर. तो वो बहुत सारे फरी क्लोथ्स पहनते थे और फनी मीन्स जैसे हम लोग मंकी कैप पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं ना विंटर्स में हमारे यहाँ, तो वो फनी लगते हैं, उनको देखकर हंसी आती है. तो ऐसे कपड़े पहनते थे, तो वो कैसे लगते थे? भालू के बच्चे जैसे. थर्ड पैराग्राफ. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डू नॉट बिलीव दिस ट्रू. और वहाँ के नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वो उनको, किनको? बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. क्यूरियस माने जिसे सुनने की उत्सुकता होती है कि आगे क्या होता होगा, आगे क्या हुआ होगा. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. और पोएटिस कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, सच्ची कहानी है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. लेकिन फिर भी, सच्ची कहानी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप इससे एक लेसन, एक सबक, एक सीख ले सकते हैं इफ अगर मैं आपको ये टेल, कहानी सुनाऊं तो. नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. एक बार क्या हुआ कि
गुड सेंट पीटर, सेंट पीटर जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो उस वक्त दुनिया में अर्थ पर रहा करते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे? प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हुए। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो हमेशा किया करते थे, आप सब जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, और वो घूमते घूमते एक छोटे से घर के दरवाजे के पास आ गए। डोर ऑफ द ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज मीन्स एक छोटा सा घर, उसके दरवाजे के पास आ गए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ, चारों तरफ मीन्स पूरी अर्थ का राउंड ले रहे थे, उस पर ट्रैवल कर रहे थे, और घूमते घूमते वो यहाँ आ गए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उस कॉटेज के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पर एक लिटिल वुमेन, छोटी सी लेडी, छोटी सी औरत मीन्स जो हाइट जिसकी छोटी सी थी, वो केक्स बना रही थी, और उनको केक को बेक करना पड़ता है ना, पकाना पड़ता है, तो उस वक्त ओवंस नहीं होते थे, तो हर्थ, फायर प्लेस जिसको हम भट्टी कह सकते हैं हिंदी में, उसमें उनको बेक कर रही थी, पका रही थी। एंड बींग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरे दिन उन्होंने फास्ट किया था, फास्ट मीन्स उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, और वो उस वक्त ऑलमोस्ट फेंट, बेहोश होने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उन्होंने उसके केक के स्टोर से उसको अपने आप को, मीन्स उन्होंने कहा उस छोटी लेडी से कि आप अपने केक्स में से एक सिंगल वन मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो क्योंकि सेंट पीटर ने उनसे एक केक मांगा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सो मीन्स इसलिए उन्होंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, वेरी लिटिल, बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको बेक किया, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उन्होंने, उस लेडी ने देखा जब वो केक बेक हो रहा था, अच्छा केक बेक होके फूलता है ना, सबको पता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अपने साइज से, थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, सॉरी। तो जब उन्होंने उस केक को देखा बेक होते हुए, तो उन्होंने सोचा कि ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, किसी और को देने के लिए दिस इज़ टू लार्ज, काफ़ी बड़ा है, और एज वी ऑल नो शी वॉज ग्रीडी, लालची थी, तो उन्हें लालच आ गया। Therefore, she needed another and still a smaller one. इसलिए उन्होंने नीड किया, दूसरे केक का बैटर तैयार किया, और जो बनाया था उससे भी छोटा, smaller one, छोटा बनाया। But it looked when she turned it over as large as the first had done. पर जब उन्होंने उसको बेक किया और उसको पलट करके बेक करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि ये तो पहले वाले केक जितना ही बड़ा है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रेप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा डो, डो मीन्स जो केक बनाने का आटा होता है, पूरा मैटर, बैटर होता है, उसमें से बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको रोल किया। रोल मीन्स जैसे आप सबने देखा होगा, आपकी मदर्स चपाती रोल करती हैं, जिसको कहते हैं ना रोलिंग पिन, बेलन के साथ बेलना, तो उसको ऐसे ही रोल किया और बिल्कुल चपटा फ्लैट बना दिया और उसको बेक किया, और इतना पतला सा था वो, जैसे वेफर मीन्स चिप्स, आप सब ने देखा है कितने पतले होते हैं, तो इतना पतला सा एक केक बनाया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाई, उनको लालच आ गया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.